नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। कन्नौज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सांसद और विधायकों ने 21 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने उद्योग नागरिकों को दर्जा दिए जाने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, साथ ही मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब के नाम पर रखने की अपील की। कन्नौज में सीएम के पहुंचते ही लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। यहां पर केंद्रीय मंत्री असीम अरुण ने सीएम का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिले को जब से उद्योग के क्षेत्र सीएम को धन्यवाद करते हुए असीम अरुण ने कहा कि जब से जिले में उनका आना जाना शुरू हुआ है, तब से उद्योग के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के कन्नौज पहुंचने पर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी रही 21 किलो की माला, जिसे पहनाकर यहां पर सीएम का स्वागत किया गया। वहीं यहां भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने भाजपा के काम को गिनाते हुए लगातार जनता को दावा दिया कि जिले में लगातार विकास कार्य होते रहेंगे, जनता को किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। वहीं इस दौरान ये भी वादा किया गया कि अगर जिले में किसी भी तरह का अपराध होता है तो अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने की कार्रवाई भी की जाएगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें मृतक के परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त की गई। सदन में शोक का प्रस्ताव नेता सदन योगी आदित्यनाथ की ओर से पेश किया गया। पिछले सदन की कार्रवाई से लेकर अब तक कई माननीय मौजूदा और पूर्व विधायकों का निधन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह और पूर्व विधायक जगदीश गांधी के निधन पर शोक भी जताया। सारे दलों के प्रतिनिधियों ने निधन पर अपनी श्रद्धांजलि दी। अमरोहा में लगातार 56 दिन से 30 लोगों के दिल की धड़कनें रुक रही हैं, इसे लेकर लोगों में काफी ज्यादा दहशत देखने को मिल रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में खान पान में सतर्कता बरतने की सलाह देते हुए भी डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। यहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह का कहना है कि अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो दिल के डॉक्टर के पास जाकर जाँच कराएं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आपको बता दें कि युवा व्यापारी नवेद असगर को छत पर नमाज पढ़ते वक्त अचानक हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौत हो गई। जबकि ईंट भट्टा कारोबारी बाकर अली खां को भी हार्ट अटैक आया था और कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई थी। सेडेंटरी लाइफ, स्मोकिंग, स्ट्रेस और फैट वसा युक्त खाना, साथ में एक फैमिली हिस्ट्री, ये पांच चीजें जो होती हैं उनकी वजह से। अभी इसमें अगली बात यह है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब तक हमें चेस्ट पेन नहीं होता तब तक हम जांच नहीं कराते हैं अपनी। ईसीजी में चेंज तब आते हैं जब जिस समय उस इस्टीमिक फैट में जिस समय कोरोनरी आर्टरी नैरो होने की वजह से या पार्शियल ब्लॉक होने की वजह से मसल्स पे उसका इफेक्ट आता है, तब उस पर ईसीजी में चेंज आते हैं। नॉर्मल रूम में यदि ठीक से फ्लो हो रहा है जाके बाद पार्शियल ब्लॉक होने के बाद यदि फ्लो जा रहा है उसमें आर्टरी में कोरोनरी आर्टरी में, तो ये चीज़ें ईसीजी में चेंज में नहीं आती हैं। इसलिए टाइमली एक जांच करा, डॉक्टर के संपर्क में रहें लोग। देश में लगातार हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसी खबरें भी सामने आईं जहां युवाओं की हार्ट अटैक से मौत हुई। वहीं अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि नाबालिगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह अचानक किसी भी उम्र के व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है और हार्ट अटैक से तुरंत ही मौके पर मौत भी हो रही है। अमरोहा की अगर बात की जाए तो यहां बीते 56 दिन में 30 ऐसे मामले दर्ज किए गए जहां पर
किसी न किसी को हार्ट अटैक आया और मौत के मामले सामने आए। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी इरशाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद, अभी तक अमरोहा के स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या कोई अवेयरनेस फैलाने का काम किया जा रहा है या फिर अभी तक क्या डॉक्टर्स ने इस बारे में लोगों को जागरूक करने की किसी तरह की कोई मुहिम चलाई है? स्वास्थ्य विभाग जो है इस हार्ट अटैक के मामलों को लेकर सवालों के घेरे में है और यहाँ पर कोई मुहिम ऐसी नहीं चलाई है, क्योंकि यहाँ पर जो है 56 दिन में करीब 30 लोगों को हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है, जिसमें जवान और बूढ़े सभी शामिल हैं और ये सिलसिला बराबर चल रहा है। आज भी फिर एक बंदे को हार्ट अटैक आया है और उसकी भी मौत हुई है। लेकिन सवाल यह पर यह है, क्या जो विभाग की तरफ से कोई भी संतोषजनक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं, कोई मुहिम नहीं चलाई गई है? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इसे देख कर भी जान पूछ कर अनजान बना बैठा है और उसे ठंडे बस्ते में उसने डाल रखा है। कोई भी इस तरीके का ऐसा इन्होंने कोई जागरूकता अभियान या कुछ भी ऐसा नहीं चलाया है। हालांकि सीएमओ से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने बताया क्या ये कई सारी चीजों पर उन्होंने बताया कि ये चीज का फोकस रखिए, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे जो लोगों को एक जागरूकता के हिसाब से मैसेज दिया जा सके, या कोई भी ऐसा काम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं किया गया है। पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद इरशाद। औरैया के ग्राम पंचायत एमा सेगनपुर से माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि गाटा संख्या 76 रास्ते के तौर पर दर्ज है, लेकिन दबंगों ने इस पर कब्जा कर लिया है और प्रशासन के नोटिस भेजने के बाद भी अभी तक रास्ता खाली नहीं किया है। इस बाबत तहसीलदार जितेश वर्मा का कहना है कि जल्द ही अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, मामला उनके संज्ञान में है और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रामीणों की माने तो अगर इस मामले पर जल्द ही सुनवाई नहीं हुई तो वो मामले की शिकायत अधिकारी से करेंगे। दिक्कत रास्ते पर अतिक्रमण है, हमारा वहाँ प्लाट है, हमें आने जाने में तकलीफ है। प्रशासन से बात की? प्रशासन हमने 2 सितंबर 2023 से शिकायत कर रहे हैं। भाई तहसीलदार जी नाप गए, अब उसके बाद वो इसके पड़ा हुआ, उसके बाद कोई कार्रवाई, तहसीलदार खुद नाप गए, चिन्ह लगा गए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसका कोई पता नहीं किस कारण नहीं हटाया गया। ग्रामीण लोगों को मंदिर पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मैंने इसकी शिकायत की है तो उसे कार कराना है मुझे चक्रोड का, और चक्रोड अभी तक दबंगों द्वारा हटाया नहीं गया वहाँ से। प्रशासन क्या बात है? प्रशासन ने यही आश्वासन दिया है, सिर्फ आश्वासन है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 3 दिन का बोला था, आज हो गए हैं लगभग 15 दिन। दोबारा आपने उनसे मुलाकात की? दोबारा भी की तो बोला 1-2 दिन और रुक जाओ। अब ऐसे ही है, रुकने को बोलते हैं। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जिस तरह से ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार वो इस मामले की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन दबंग अभी तक इस रास्ते पर कब्जा किए हुए हैं, क्या अभी इस मामले में प्रशासन कोई एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है या एक बार फिर से ये मामला वैसे ही ठप पड़ा हुआ है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन की ओर से निरंतर प्रयास जारी है, यहाँ तक कि तहसीलदार जितेश वर्मा ने इस मामले की जांच स्वयं की और वहाँ पर जस्ट 3 दिन का समय दिया था कि जल्दी से जल्दी अपना कब्जा हटा लें, लेकिन कुछ राजस्व के लेखपाल के में त्रुटि होने की वजह से उसको थोड़ा समय और दे दिया गया है। लेकिन अब अगले सोमवार की तारीख उन्होंने फिक्स कर दी है कि सोमवार को अतिक्रमण हटा देंगे। आज तहसील दिवस में प्रधान सहित कई ग्रामीण मौजूद थे, उस मौके पर एसडीएम और तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि जल्द जल्द दीपक लगातार ये खबर भी सामने आ रही है, तहसीलदार पर भी आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इन आरोपों में कहां तक सच्चाई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे कहीं ना कहीं लेखपाल की संदिग्धता इसमें नजर आती है। तहसीलदार ने तो जस्ट अभी 1 हफ्ते पहले ही मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई करने का आश्वासन भी दे दिया है ग्राम प्रधान सहित सभी ग्रामीणों को।
जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दीपक। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी की अगुवाई में जनसुनवाई हुई। तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी सचिन कुमार वर्मा सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकतर अधिकारी तहसील दिवस से नदारद भी नजर आए। दूर दराज से यहां फरियादी अपनी परेशानी लेकर पहुंचे, जहां पर अधिकारियों ने जल्द से जल्द मामले में एक्शन लेने का आश्वासन दिया। सहारनपुर में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर रिफिलिंग का कारोबार चलने का आरोप लगा है। गैस रिफिलिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गंगोह मोहल्ले में मौजूद रंगरेज कॉलोनी में बने एक गोदाम में ये गोरख धंधा बड़े जोर शोर से चल रहा है। वहीं जिला पूर्ति विभाग पर कार्रवाई न करने का आरोप भी इस मामले में लगाया जा रहा है। मामले में लगातार रंगरेज कॉलोनी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि कई दिनों से वो मामले की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इस बाबत कोई भी अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वहीं जिला पूर्ति विभाग पर आरोप लगाते हुए लोगों का कहना है कि मामले का वीडियो तक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लगातार जिला पूर्ति विभाग की नाक के नीचे इस तरह से गैस रिफिलिंग के अवैध मामले को अंजाम दिया जा रहा है, बावजूद इसके अभी तक शिकायत करने के बावजूद किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। लोगों का कहना है कि उन्हें लगातार खतरा बना रहता है, उन्हें डर है कि कहीं गैस रिफिलिंग का ये अवैध धंधा उनकी जान के लिए जोखिम ना बन जाए। ये पूरा मामला गंगोह कोतवाली का है, जहां पर लगातार इस तरह का मामला सामने आ रहा था कि गैस रिफिलिंग यहाँ अवैध तरीके से हो रही है, गाड़ियों में भर भर कर गैस जा रहे हैं। ऐसे में खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी जोगेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोगेंद्र, जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं आसपास रहने वाले लोग, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? बता दें, पूरा मामला सहारनपुर के गंगो का कस्बा मोहल्ला मोहम्मद गोरी स्थित कब्रिस्तान के पास रंगरेज कॉलोनी में एक बड़ा गैस गोदाम है, जहाँ पर ये गैस रिफिलिंग का कारोबार काफी दिनों से चल रहा था। कुछ जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस वीडियो को बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पर अभी तक कल से इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पाई है। जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि ये गंगो क्षेत्र इंस्पेक्टर का क्षेत्र है, वो इसमें बात करेंगे। जब हमने उनसे बात करी तो उनका कहना है कि इस मामले में मुझे कुछ नहीं पता है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, हम पूरे मामले की जांच कर रही है। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जिला पूर्ति विभाग के जो अधिकारी है उसमें मिली भगत है, उनके इस मिली भगत से ये पूरा कारोबार चल रहा है। जो कॉलोनी वासी है उनका कहना है कि कई बार गैस गोदाम जो रियासी एरिया में है, कभी भी बड़ी घटना घट सकती है, पर अधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेना होगा, क्योंकि कभी भी बड़े बड़े हाथ छोटी छोटी चीजों से बड़े हाथ से हो जाते हैं। ये अवैध रिफिलिंग का कारोबार काफी दिनों से चल रहा है, पर वहाँ के जो इंस्पेक्टर है अधिकारी है, इसमें बिल्कुल भी कार्रवाई करते नहीं नजर आ रहे हैं। जोगेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे मोहल्ले वालों का कहना है कि ये मामला काफी दिनों से ऐसे ही लगातार चल रहा है, कई बार वो शिकायत कर चुके हैं, क्या अभी तक जिस तरह जिला पूर्ति विभाग पर ये आरोप लगे हैं, क्या किसी बड़े अधिकारी तक ये मामला नहीं पहुंचा है? क्योंकि ये काफी गंभीर समस्या है, क्योंकि गैस रिसाव से अगर कोई भी घटना होती है तो वो पूरे के पूरे माहौल में काफी ज्यादा अफरा तफरी फैलाने वाली होगी। जी बिल्कुल, हमारे आज हम जिला पूर्ति विभाग में गए थे, आज तहसील दिवस अधिकारी नहीं मिले, तो हमने उनसे फोन पर बात की। उनका कहना है कि वहाँ के जो क्षेत्र के हरदेश कुमार जो इंस्पेक्टर है, वो इस मामले वो क्षेत्र के इंचार्ज है, वो इसे देखेंगे, वो इस मामले को कार्रवाई करेंगे। पर कहीं ना कहीं लगता है हरदेश कुमार इस पर कल से अब तक कार्रवाई ना करने वाले, क्योंकि गैस गोदाम में अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। तो लोगों का कहना है कि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, पर सहारनपुर का जिला पूर्ति विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करता है। लगातार ऐसे कई रिफिल के गोरख धंधे जनपद सहारनपुर से लेकर गाँव कस्बों में चल रहे हैं। टेम्पो रिफिलिंग की जाती है, गाड़ियों में रिफिलिंग की जाती है, और इस जो वीडियो वायरल हुआ था, इसमें साफ अंदर दो तीन कारें खड़ी है, जिसमें अवैध रूप से गैस रिफिलिंग गैस भरी जा रही है, और अधिकारी अब इसमें बिल्कुल भी सामने आने से बिल्कुल कतरा रहे हैं। रिफिलिंग के अलावा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार इस गैस गोदाम से ब्लैक में सिलेंडर बेचे जाते हैं, लोगों तक बुकिंग करने के बाद सिलेंडर नहीं पहुंचते, लेकिन जब ब्लैक में कोई सिलेंडर मंगाता है तो तुरंत वहां सिलेंडर पहुंच जाते हैं, इन आरोपों में कहां तक सच्चाई है? देखिए, जब लोगों ने बताया कि गैस रिफिलिंग अभी फिलहाल कुछ दिनों से गैस रिफिलिंग की काला बढ़ाई काफी दिनों से चल रही है, पिछले एक माह से, क्योंकि सर्दी की वजह से कही है, जो गैस डील होते हैं वो कहते हैं सर्दी की वजह से गैस नहीं आ रही,
पर कहीं ना कहीं लगता है कि जब अर्जेंट किसी को गैस चाहिए होती है तो एकदम लोगों को एकदम शादी ब्याह में एकदम गैस अवेलेबल हो जाती है, वो गैस कहाँ चाहते हैं। कहीं ना कहीं गैस को कहीं ना कहीं अवैध रूप से सप्लाई भी किया जा रहा है। ये लोगों की बात, लोगों ने जो बताया है आरोप बिल्कुल सही पाए गए हैं। लोगों का कहना लगातार इस तरह के गोरख धंधे और गैस रिफिलिंग और गैस कटौती में भी यहाँ पर गैस गोदाम है, इस तरह से अवैध रूप से सम्मिलित पाए जाते हैं। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद जोगेंद्र। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ में खैर कोतवाली पुलिस ने 27 जनवरी को लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पलवल हाईवे पर मौजूद अनाज मंडी के गेट पर बाइक सवार चार बदमाशों ने तमंचे की नोक पर रामेश्वर दयाल नाम के व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़ित के कब्जे से लूट के 65,000 रुपए लिए और मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के 65,000 रुपए सहित एक बाइक, एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। क्षेत्राधिकारी खैर अवगत कराना कि आज 3 फरवरी 2024 को थाना खैर की पुलिस टीम को एक बदमाश के आने की सूचना प्राप्त हुई, जिस सूचना पर तत्काल खैर की पुलिस टीम द्वारा आवश्यक घेराबंदी करते हुए बदमाश को रोकने और पकड़ने का प्रयास किया गया, जिस पर बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया और पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गए, जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार के अस्पताल रवाना किया गया। पूछताछ में घायल बदमाश द्वारा बताया गया कि उसने और उसके तीन अन्य साथियों ने मिलकर के दिनांक 27 जनवरी 2024 को एक आड़त की व्यापारी को अनाज खैर मंडी के पास में रुक करके लूटपाट की गई थी। इस लूट से संबंधित 65,000 रुपये भी इस बदमाश के पास से बरामद हुए। थाना खैर की पुलिस टीम द्वारा फील्ड यूनिट को सूचित करते हुए आवश्यक अग्रिम विधि कार्रवाई मौके पर की जाए। सुल्तानपुर में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इसी बदमाश ने चौक घंटा घर में एक व्यापारी पर पिस्टल से फायर किया था। इस घटना का पूरा वीडियो CCTV में कैद हो गया था, जिसके बाद व्यापारी ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस मुठभेड़ हुई, उस पुलिस मुठभेड़ में मोहम्मद इरफान, जो थाना कोतवाली नगर का रहने वाला है, सक्रिय हिस्ट्री सीटर है, इसके ऊपर हत्या एवं लूट जैसे संगीन धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इसके द्वारा 1 फरवरी 2024 को जो चौक घंटा घर में एक व्यापारी मोहम्मद सलमान के ऊपर फायर किया गया जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। तब से व्यक्ति लगातार फरार चल रहा था। आज हसनपुर क्रॉसिंग में पुलिस मुठभेड़ में इसने पुलिस ऊपर फायर किया। पुलिस ने अपने आत्मरक्षार्थ इसके ऊपर फायर किया, जिसमें इसको गोली लगी
इसको तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, इस मामले में अब तक क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं, जिसका ये नगर कोतवाली क्षेत्र के शहर के चौक एरिया में जिसका वारदात होना है, ये वाकई बहुत ही बड़ी दुर्घटना मानी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिसका बड़े बदमाश से या क्राइम अपराधी जो भी है जिस तरह घटना को अंजाम देते हुए सामने नजर आ रहे हैं, वाकई बहुत दिलचस्प वाली बात है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ द्वारा या भाजपा द्वारा जो है क्राइम को दबाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं घटना को भी बड़ा अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर पुलिस द्वारा मुठभेड़ भी हो रहा है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद आशुतोष। लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर का छात्र को पीटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के छात्रों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं समाजवादी नेताओं का आरोप है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने छात्र को बुरी तरह पीटा, वो भी बेफिजूल पिटाई की। छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। समाजवादी छात्र सभा आज लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन करती नजर आई, क्या प्रदर्शन का क्या मामला? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरीके से छात्र को प्रॉक्टर के ऑफिस में बुला के उसके कपड़े फाड़े गए, हम इस घटना का विरोध करते हैं। इसी संबंध में हमने वहाँ के प्रॉक्टर का पुतला फूंका है और हमारी ये मांग है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। लगभग कितने बच्चों के साथ ये हुआ है? अभी तो जानकारी में एक ही संख्या आ रही है, लेकिन लगातार हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस तरीके से वहाँ के छात्रों के साथ लगातार इस तरीके की घटनाएं करी जा रही है। ये घटना को लेकर आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार ऐसी घटना हो रही है, तो आप लोग सरकार से क्या उम्मीद रखती है इसको लेकर? सरकार से इस वक्त की जो सरकार है उनसे उम्मीद रखना ही बेकार है, और यही वजह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त जो युवा है बड़ी सी संख्या में बाहर निकल के आएंगे। धन्यवाद। ये तो समाजवादी पार्टी की छात्र सभा नेता जो लगातार जिस तरीके से समाजवाद छात्रों के ऊपर अत्याचार टीचरों के द्वारा किया जा रहा है, तो वही आज लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ। यूनिवर्सिटी की हैं, जहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ हुई मारपीट मामले में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया। इस दौरान छात्र सड़क पर गाड़ियों को रोकते हुए भी नजर आए और जमकर नारेबाजी करते हुए चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की मांग की। इन छात्र नेताओं का कहना है कि लगातार किसी न किसी यूनिवर्सिटी से इस तरह छात्रों को पीटने या फिर बदसलूकी करने का मामला सामने आ रहा है, ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन कोई ना कोई कार्रवाई करे जिससे इस तरह छात्रों को ना पीटा जाए, ना ही उनके साथ कोई बदसलूकी हो। दृश्य देख रहे हैं जहां पर छात्र नेता जमकर सड़क पर लेटकर नारेबाजी करते नजर आए और इस दौरान लगातार छात्र मांग कर रहे थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर को निलंबित किया जाए। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी यूसुफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूसुफ, इस मामले में अब तक क्या अपडेट सामने आ रही है? क्या छात्र नेता वापस लौट गए हैं और इनकी मांग पर क्या उम्मीद है कि कोई एक्शन लिया जा सकता है? आपको बता दें, छात्रों ने प्रॉक्टर का पुतला दहन किया, उसके बाद भारी पुलिस बल मौजूद था, मौके पर तीखी नोकझोंक हुई, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनको मनोनवल करके वापस यूनिवर्सिटी भेजा। लेकिन उनका कहना है जब तक उनको प्रॉक्टर को खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी या प्रॉक्टर को निलंबित नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, तब तक इस तरीके के प्रदर्शन खाली लखनऊ में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटियों पे होंगे। जी, छात्रों की इस मांग के अलावा कोई और मांग है कि प्रॉक्टर का सिर्फ निलंबन कर दिया जाए, सिर्फ इतना ही छात्रों को चाहिए या फिर वो किसी और तरह की मांग भी रख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, छात्रों का कहना है मांग के साथ साथ इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इन्होंने छात्र को मारा पीटा भी है जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। उनका कहना है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनको निलंबित किया जाए, वरना इस तरीके का जानकारी और चाहेंगे कि क्या छात्रों का ये जो प्रदर्शन था ये सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वायरल हुए वीडियो को लेकर था या फिर इसके अलावा भी पहले जो छात्रों के खिलाफ मारपीट का मामला तमाम यूनिवर्सिटीज से आता रहा है उन सभी को लेकर? आपको बता दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले मामले को लेकर ही ये प्रदर्शन था, जिसमें आज पुतला दहन भी हुआ, काफी नारेबाजी हुई। जी,
हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। बुलंदशहर में गाजियाबाद के रहने वाले एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक के परिवार का आरोप है कि शव को हत्या करने के बाद फेंका गया है। बताया जा रहा है कि युवक बीते 8 जनवरी से लापता था। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस लगातार खोजबीन में जुटी हुई थी, लेकिन युवक का शव मिला, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के सिवारा गांव का बताया जा रहा है। कोई भी गुलावटी बाईपास की तरफ कोई सिवारा गांव है, वहां पर ये बम्बे में इनकी डेड बॉडी मिली है। अच्छा, क्या नाम है इनका? रोहित कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं ये? विजयनगर गाजियाबाद। क्या लग रहा है आपको? लग ये रहा है कि किसी की साजिश है, किसी ने मर्डर किया है। अच्छा। क्योंकि 24-25 दिन घर से निकले हुए हैं, अभी किसी उसमें कोई काम वगैरह किया था ठेकेदार का, उसके प्रेशर में उसने प्रेशर डाला है तो घर से तब गए हुए हैं, लिख कर गए हैं। इनके उसमें कुछ कागज वगैरह मिले हैं, उसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है, उसका नाम वगैरह क्या, मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, मेरे पर अंदर प्रेशर डाला है। इनका क्या नाम है? रोहित। रोहित जी। उम्र कितनी होगी? उम्र होगी 33-32। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या इस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन लिया है, कोई गिरफ्तारी हुई है या फिर पुलिस ने किसी तरह का खुलासा किया है? बता दें कि गुलाबी कोतवाली क्षेत्र में एक गाजियाबाद के युवक का शव बम्बे में मिला था, जिसकी हत्या कर सबके फेंकने का परिजनों लोगों ने आरोप लगाया है। आपको बता दें 8 जनवरी से संगीन हालत में लापता था रोहित। आपको बता दें कि पुलिस ने पहचान कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और आपको बता दें कि पुलिस ने अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया है, जांच अभी जांच के लिए जारी है। क्या मृतक के परिवार ने किसी पर शक जताया है जी? क्या मृतक के परिवार ने इस मामले में किसी पर शक जाहिर किया है कि उन्हें किसी पर शक हो कि उनके बेटे की हत्या किसने की है? जी नहीं, अभी तो मतलब अभी तक तो नहीं किया है जी, आगे की जानकारी अभी दी जाएगी जी। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अमन। लखनऊ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर लगातार धन उगाही करने का आरोप लगा है। अलीगंज के सीतापुर रोड पर बने देवकी हॉस्पिटल से ये नया मामला सामने आया है, जहां एक युवती की मौत हो जाने के बाद लगातार गलत इलाज करने का आरोप डॉक्टर्स पर लगाया जा रहा है। मृतका के परिवार का आरोप है कि गलत इलाज के बाद उनकी बेटी को KGMU रेफर कर दिया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद CMO ऑफिस ने मामले की जांच कराई। बताया जा रहा है कि CMO के आदेश पर अस्पताल के संचालक समेत 2 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं CMO ऑफिस से भी अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। राजधानी लखनऊ में प्राइवेट हॉस्पिटलों में मरीजों की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं राजधानी लखनऊ के सीतापुर रोड पर स्थित जो आप हॉस्पिटल की तस्वीर देख रहे हैं, ये देवकी हॉस्पिटल है जो लखनऊ के सीतापुर रोड पर बना हुआ है। इस हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल के संचालक राकेश गुप्ता और डॉक्टर अशोक अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा भी गैर इरादतन हत्या का दर्ज हुआ, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से जो जानकारी आई है उसमें परिजनों ने जो तहरीर दिया, उस तहरीर में साफ तौर से आरोप लगाए गए थे कि किशोरी को बीमारी हुई और बीमारी के बाद जब उसको इस हॉस्पिटल में लाया गया तो उसकी बीमारी का इलाज गलत किया गया। इस मामले में जब शिकायत गई तो पुलिस ने इस मामले की शिकायत CMO ऑफिस भेजी। CMO ऑफिस से जब इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की गई तो जांच पड़ताल में साफ तौर से डॉक्टरों की लापरवाही भी सामने आई। फिर CMO के आदेश पर जो डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर समेत जो संचालक है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, और मुकदमा दर्ज करने के बाद CMO की तरफ से हॉस्पिटल को नोटिस भी जारी की गई। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बनता है कि CMO ऑफिस की तरफ से जिस तरह से हॉस्पिटल को नोटिस जारी की गई, नोटिस जारी में जो जवाब मांगा गया, फिलहाल वो अभी जवाब CMO ऑफिस नहीं पहुंचाया गया। लेकिन अगर दूसरी तस्वीर की बात करें जो अब किशोरी की मौत हो गई, तो उस मामले में पुलिस ने भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जाँच पड़ताल के बाद अब देखना ये होगा कि आखिर हॉस्पिटल के खिलाफ किस तरह की जो CMO है वो वहाँ से कार्रवाई की जाती है।
वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, क्या इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? कलीम, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? देवकी हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां एक युवती की मौत के बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगा है और उनका कहना है कि गलत इलाज करने के बाद उनकी बेटी की मौत हुई है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, क्या इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए, देवकी हॉस्पिटल का जो आया था जिसमें किशोरी की इलाज में लापरवाही से थी, इस मामले में फिलहाल गैर इरादतन की हत्या में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए अभी जीरो स्तर पर है, क्योंकि अगर सीएमओ ऑफिस की बात की जाए तो सीएमओ ऑफिस से नोटिस जरूर दिया गया, लेकिन नोटिस के बाद किसी तरह का कोई जवाब अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल की तरफ से किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया। तो इस मामले को लेकर के साफ तौर से कहा जा सकता है कि हॉस्पिटल जो संचालक है वो अपने रसूख के आगे जो सीएमओ ऑफिस है उसको भी जूते की नोक पर रख रहा है, क्योंकि जिस तरीके नोटिस दी गई, नोटिस पर किसी तरह की कोई भी जवाबदेही नहीं हुई। उसके बाद अगर पुलिस की बात की जाए, पुलिस की जो तफ्तीश चल रही उस तफ्तीश में भी अगर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई की बात की जाए वो ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। और हॉस्पिटल में अगर लापरवाही की जो बात की जमीनी स्तर के, क्योंकि आज जिस तरीके से प्राइम टीवी वहां पर पहुंचा था, प्राइम टीवी ने जिस तरीके से खबर की थी, तो वहां पर साफ तौर से लापरवाहियों का अंबार भी हॉस्पिटल में देखने को मिला था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहीं पर मरीजों की भर्ती भी हो रही है, धूल गर्दा पूरी तरीके से हॉस्पिटल के कमरों तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर सेफ्टी की बात किया तो सेफ्टी के नाम पर वहां पर केवल और केवल जीरो व्यवस्था नजर आई है। देवकी हॉस्पिटल पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या इसके पहले भी इस अस्पताल पर कोई आरोप लग चुका है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए हॉस्पिटल पर आरोप को लेकर के, तो इससे पहले भी कई आरोप लगे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई तीमारदारों ने हंगामा किया था। हंगामे के बाद फिलहाल पुलिस पहुंची थी, मामले को रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन सीएमओ स्तर पर जो अब ये जांच पहुंची थी, तो जांच में हॉस्पिटल की साफ तौर से लापरवाहियां देखी गई थी, और उन्हीं लापरवाहियों का नतीजा है कि गैर इरादतन हत्या के इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के बाद जो है तफ्तीश की बात की जाए वो भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर गिरफ्तारी की बात की जाए, ना ही डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, ना ही संचालक की गिरफ्तारी हुई है, और डॉक्टर और संचालक दोनों ही वहां पर लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। और अगर इस मामले में बात की जाए, जो उनका बेटा है जो अपने आप को एमबीबीएस डिग्री होल्डर बता रहे हैं, वो भी वहां पर बैठता है, वो भी लोगों का इलाज कर रहा है। अगर एमबीबीएस डिग्री होल्डर की बात की जाए, तो अभी उसकी भी डिग्री जो सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है, डिग्री अभी उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बावजूद मरीजों का इलाज उसके द्वारा किया जा रहा है। ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका धन्यवाद कलीम, आप बने रहिए हमारे साथ। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएम ने की। बताया जा रहा है कि यहां 7 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, वहीं बचे हुए मामलों के निस्तारण के लिए डीएम ने टीम बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टीम बनाकर सभी गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने का निर्देशित किया गया, सभी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करना। नगर पंचायत डुमरियागंज में जो गाड़ियां हैं बगैर नंबर प्लेट ने, सर कोई भी गाड़ी हो, कूड़े वाली हो या बिजली ठीक करने वाली हो या जेसीबी हो, इसके ऊपर क्या करेंगे? ये आप ही के माध्यम से अभी संज्ञान में आया, अगर ऐसा है तो जांच करवा कर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में शुक्रवार की शाम हुए ट्रिपल मर्डर से पूरे प्रदेश में सनसनी फैली है। यहां महिला समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज पुलिस के काफिले के साथ मृतकों का शव पोस्टमार्टम हाउस से मलिहाबाद के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें, एक आरोपी को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है, वहीं मुख्य आरोपी ललन उर्फ सिराज सहित 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ये सनसनीखेज वारदात मलिहाबाद के रहमत नगर की है, जहां पुराने जमीनी विवाद के चलते लेखपाल के जरिए हुई पैमाइश की कार्रवाई से ललन उर्फ सिराज नाराज बताया जा रहा है, और जानकारी के मुताबिक इसी वजह से पुराने हिस्ट्री शीटर ललन सिंह और उसके बेटे फराज ने घर में घुसकर फरहीन, उनके बेटे हमजला और देवरताज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी कलीम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, जिस तरह आज सपा सुप्रीमो मृतकों के परिवार से मिलने जाने वाले थे, और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि पूरा मामला छावनी के रूप में पूरा माहौल तब्दील हो रखा है, अब इस मामले में क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए,
का जो मोहम्मद नगर इलाका है वहां पर जिस तरीके से खूनी संघर्ष का खेल देखने को मिला है, वहां पर दिल दहला देने वाली जो घटना सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से 6 फीट की जमीन को लेकर के जो विवाद सामने आया, उस विवाद को लेकर के एसडीएम और लेखपाल और कानूनों की जो लापरवाही सामने आई है, उस लापरवाही के कारण एक परिवार की जो पूरी तरीके से जान चली गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। मुकदमा करने की बात की जाए तो केवल 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई, लेकिन अभी इस मामले की भी पूरी तरीके से पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। लेकिन जो मुख्य आरोपी लल्लन खां की अगर बात की जाए तो लल्लन खां अभी भी फिलहाल फरार है, क्योंकि वो एक तरीके से वो मलिहाबाद का हिस्ट्री सीटर भी बताया जाता है और इसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। और फिलहाल जिससे कि आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के साथ साथ अभी तक जो इस मामले की गिरफ्तारी की बात की जाए तो वो लल्लन खां की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। 5 टीमें जरूर गठित से जो अंतिम संस्कार की बात की जाए, जो तीनों का अंतिम संस्कार करना किया जाना था तो उसको लेकर के पूरी तरीके से वहां पर पुलिस की एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। पोस्टमार्टम से लेकर के पोस्टमार्टम हाउस से लेकर के उनके निवास तक की पूरी तरीके से पुलिस अभिरक्षा में तीनों शव मलिहाबाद पहुंचाया गया और उसी दौरान पुलिस अभिरक्षा में ही उनका शव का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अगर वहां की स्थिति की अगर बात की जाए तो उन स्थिति को लेकर के साफ तौर से वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है, पीएसी को तैनात किया गया है, क्योंकि जो उनके परिवार की बात की जाए तो उनका परिवार का जो नाता सपा से बड़ा पुराना रहा है और इसी मामले को लेकर के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी उनके निवास पहुंचना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच पाए और पुलिस की जो छावनी की तब्दील है वो अभी तक वहां पर पूरी तरीके से पीएसी तैनात है। जी कलीम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस आरोपी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है, क्या उसका भी कोई आपराधिक इतिहास है, या फिर ललन के अलावा जो बचे हुए 3 आरोपी हैं, इन सभी का कोई भी आपराधिक इतिहास रहा है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो आपराधिक इतिहास में केवल लल्लन खां की अगर बात किया तो उसकी हिस्ट्री सीट खुल रही है, और इसके साथ ही जो अन्य आरोपियों की बात की, जो उसके सहयोगी थे या फिर जो ड्राइवर की बात की जाए, क्योंकि अभी जो चालक की बात की जा रही है कि चालक को हिरासत में लिया गया, लेकिन चालक का आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो उसका भी आपराधिक हिस्ट्री कहीं ना कहीं पुलिस खंगालने का दावा कर रही है, और अगर उसके खिलाफ कोई भी मुकदमे हैं तो उन मुकदमों का भी अपराध उसमें जो ब्यौरा दाखिल करेगी, और उस ब्यौरे के आधार पर अगर मुकदमे ज्यादा होंगे तो उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं गैंगस्टर कार्रवाई देखी जा सकती है। जी ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। अलीगढ़ में शराब को लेकर एक पति पत्नी के बीच खूब विवाद देखने को मिला। बताया जा रहा है कि यहां पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की। जानकारी के मुताबिक महिला 6 महीने की गर्भवती भी है। परिवार के लोगों की तरफ से मलखान सिंह को अस्पताल में लाया गया, वहीं डॉक्टर्स ने पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने पर महिला की मौत हो गई, जहां पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे उसके परिजन लाए थे और उन्होंने बताया कि उसने सल्फास खाई थी और 6 महीने प्रेगनेंसी की वो हिस्ट्री दे रहे थे। जब जिस कंडीशन में वो यहाँ आई थी तकरीबन 11 बजे, तो उनके अंदर कोई भी वाइटल साइन नहीं थे, बीपी पल्स सैचुरेशन उनका कोई नहीं था, और ब्रॉड डेथ अवस्था में यहाँ आई थी। जिला अस्पताल जो आई थी मृत अवस्था में आई, मृत अवस्था में। सर पुलिस को सूचना दी गई है? पुलिस की सूचना दे दी गई है। सब कहाँ भेजा? सब मॉर्चरी। किस टाइम ये 11 बजे तकरीब। सर क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर कासिम। कारण था जो उनको ये लोग बता दो? कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे ही होगी होगी, ने कहा लड़ाई झगड़ा। उससे पहले कल वहाँ घुमा के लाया था मैं इसको, उसके बाद कहा सुनी किससे हुई थी? कहा सुनी किसी से नहीं, वैसे ही नेक देर में पता नहीं है कैसे हो गया, मैं तो था नहीं वहाँ पर। जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अपने पति से यानी आपसे शराब पीने की मना किया था, जिसके कारण आपसे उनको कुछ विवाद हुआ और उसी गुस्से में उन्होंने सल्फास का सेवन कर लिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी ये जैसे कि जानते हो पहले भी मैं काम करता था, दुकान भी बंद पड़ी है मेरी, मैं दुकान तो खोली नहीं, दारू के पीछे लड़ती थी मुझसे, दारू के ऐसा कोई मतलब नहीं है। क्या काम करते हैं? मैं दुकान चलाता था कैंटीन। अच्छा। वो बंद कर दी मैंने, आज मेरे को हो गए 8 दिन हो गए, 8 दिन से दुकान नहीं। तो मतलब कोई तो ऐसा कारण रहा जो महिला ने एकदम सल्फास का सेवन कर लिया, कुछ तो रहा होगा, तो ये कैसे मृत्यु हो गई इनकी? इनसे सल्फास खा ली जी। सल्फास खा ली जी, क्या कारण था? कोई नहीं का टेंशन आज नेगा तो होगी होगी, राम जाना गेहूं कहते हैं, पता ना कैसा अंत है, कब थे सल्फास रखी थी पुरिया वाली गो वाली खा ली थी। तो किससे विवाद चला था घर में? पति से कुछ टेंशन हो गई थी? पति से गए होगी, पति ने झूठे कह दिए मैं दारू पीने जा रहा हूँ, दारू नहीं पियोगे ना, मैं जा रहा हूँ वैसे मजाक में इनमें दोनों में वो गुस्सा गुस्सी हो गई। पति से दारू पीने की मना करा जिस बात पर गुस्साई गुंजन ने सल्फास का सेवन कर दिया। हाँ जी ऐसे ही है ना जी। तो पुलिस को सूचना है इसकी? जी नहीं अभी नहीं है। नहीं जी। कहाँ पर लेकर आए आप? फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही